अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं जहां ब्लैक फंगस का कहर सबसे ज्यादा है। यहां एक अस्पताल में हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची और म्यूकोरमाइकोसिस के वार्ड में दाखिल होकर मरीजों और डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम से बातचीत की। हमारे संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखें। ठाणे के किसी वेदांता अस्पताल में हमारे संवाददाता ब्लैक फंगस के प्रकोप को जानने पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले सुरक्षा के लिहाज से म्यूकोरमाइकोसिस वार्ड में जाने के लिए पीपी किट पहनना पड़ा। आज हम म्यूकोरमाइकोसिस वार्ड में जाएंगे जहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है। मेरे साथ डॉक्टर राहुल जो फिजिशियन है, साथ ही डॉक्टर निखिल जो न्यूरोसर्जन है, ये साथ में रहेंगे क्योंकि इन मरीजों को जो शुरुआती जो लक्षण आते हैं वो कैसे जो है मरीज पता करें, साथ ही मरीजों का इलाज कैसे होता है। इसके बाद हम म्यूकोरमाइकोसिस वार्ड में पहुंचे तो बेड पर बैठे हमें एक मरीज राजेश चौधरी मिले जो जलगांव से आकर यहां इलाज करवा रहे हैं। ये जो वार्ड है यहां पर म्यूकोरमाइकोसिस के ये सभी म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट्स है। इनका ऑपरेशन करीबन एक आज 10 दिन हो गया है इनका ऑपरेशन हुआ था। ये पेशेंट हमारे इधर से जलगांव से यहाँ पे आए हैं। अभी काफ़ी ख़राब परिस्थिति में थे, पहले कोविड हुआ, उसके 10 दिन बाद में उनको आँख में से पानी, आँख के नीचे सूजन और ये तकलीफ लेके हमारे पास आए। वहाँ पे उनको पता चला कि यहाँ पे इलाज होता है तो यहाँ पे अपन ने उनका पहले ऑपरेशन किया। उनका जबड़े के अंदर जो मुंह के ऊपर का जो सेशन होता है उधर तक म्यूकर फैल गया था। हमने उनको पूरा साफ करके पूरी अंदर की म्यूकर की जो गंदगी है वो बाहर हटा के अभी आप देख सकते हो करीबन इनको आज 11वां दिन है हॉस्पिटल का और ही इज टोटली गुड। राजेश की तरह उमेश भी कोरोना के इलाज के दौरान ब्लैक फंगस से संक्रमित हुए। उमेश बताते हैं कि उनकी बाई आंख के नीचे कुछ महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि पैरालिसिस हो गया हो। अभी क्या स्थिति है आपकी? अच्छा, कितना दिन से आप यहाँ? 12-13 दिन हो गए। तो डॉक्टर ने कुछ बताया कि किस वजह से हो रहा था ये, इसके बारे में कुछ आपको बताया गया? ना ऐसा नहीं, मैंने पूछा उसको। शुरुआती लक्षण आपको सूजन आई थी और आप उधर से कुछ ये नहीं हो पा रहा था, इसके लिए आपने डॉक्टर से संपर्क किया। ठीक है, अभी आराम है? आराम है। हम वार्ड में जा रहे हैं इसलिए तमाम प्रिकॉशंस हमने लिए हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। देखिए ये भी यहाँ पे ऐसे कितने पेशेंट हैं सर? करीबन अभी 10 पेशेंट है अपने पास में जो इलाज चल रहा है। कोई पेशेंट सस्पेक्ट है, कोई पेशेंट का इलाज चल रहा है। मैम को भी हुआ था? हाँ। अच्छा, क्या इनकी स्थिति क्या है अभी? ये करीबन अपने पास आज 4 से 5 दिन पहले आई थी। ये पेशेंट यंग पेशेंट है जो हमारा कहना है, जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, शी इज़ अराउंड 29 ईयर्स ओल्ड ओनली। सो शी उनको कोविड काफ़ी ख़राब था, करीबन उनको 15 से 20 लीटर ऑक्सीजन लग रहा था। शी रिकवर्ड फ्रॉम इट और उसके बाद में नाक में से खून निकल रहा था, इसलिए हमारे पास आए थे। क्या कुछ अभी तक फाइंडिंग हुई है? ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, फीलिंग बेटर, अभी आराम है। डॉक्टर सर को, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर निखिल के साथ हम वेदांता अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के पास भी गए जहां अब तक 25 मरीजों की सर्जरी की गई और 4 मरीजों की तो आंखें निकालनी पड़ी। कैसे यहां पर जब पेशेंट्स आते हैं तो न्यूरोसर्जन, फिजिशियन, दांत के डॉक्टर, ये कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है सर, बताइए हमें सर। पेशेंट पहले जब आता है हमारे पास में, हम उसका जांच करके उसको इलाज चालू करके जिस पेशेंट्स को ऑपरेशन का ज़रूरत लगे फिर वो पेशेंट्स हम सेग्रीगेट करके उनको पहले प्री ऑपरेटिव सेक्शन में रख के फिर हमें उनको ऑपरेशन के लिए लिया जाता है। अब जिस सेक्शन का ज़रूरत हो, मतलब आई का ज़रूरत हो तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट, जबड़े का ज़रूरत हो, ब्रेन स्कल का ज़रूरत हो तो न्यूरोसर्जन और स्कल ऑफ बेस सर्जन और एक ENT सर्जन, ये पूरा टीम मिलके उसके ऊपर ऑपरेट करके फिर हम उसका ऑपरेशन जैसा अच्छा करके उसे नीचे लिया जाता है जहाँ पे ICU में मॉनिटरिंग होता है और बाद में उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। 2 महीने तक पेशेंट्स मिले हैं जिनको ये पोस्ट कोविड होने का चांस हो सकता है। ऐसा भी पाया गया है कि जिनको कोविड चल रहा है उन्हें भी म्यूकर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। जब आप अस्पताल में हो तभी भी आपको म्यूकर होने का चांसेस हो सकता है, तो उसमें भी ख्याल रख के आपको पोस्ट कोविड कम से कम 1 से 2 महीना डॉक्टर के सलाह के अनुसार आपको इलाज
आपका डायबिटीज कंट्रोल, आपका खाने के परहेज, ये सब मेंटेन रखना है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।